नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। जुगसलाई बिष्टुपुर थाना क्षेत्रों में प्रशासन ने विशेष मास्क जांच अभियान चलाया, जहां बिना मास्क के 100 लोगों को पकड़कर कैंप जेल ले जाया गया। जिले के उपायुक्त और एसएसपी के निर्देश पर वैश्विक महामारी को देखते हुए पूरे जिले में लगातार विशेष मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार की शाम जुगसलाई और बिष्टुपुर थाना के संयुक्त तत्वाधान में विशेष मास्क जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बिष्टुपुर और जुगसलाई से लगभग 100 लोगों को बगैर मास्क के पकड़ा गया, जिसके बाद उन्हें बस में बैठाकर साक्षी स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में बनाए गए कैंप जेल में ले जाया गया, जहां जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जानकारी देते हुए बिष्टुपुर पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि विशेष मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है, वैश्विक महामारी का प्रकोप अभी थमा नहीं है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। डीसी साहब और सीनियर एसपी साहब के निर्देश पर ज्वाइंट ऑर्डर के हिसाब से आज जुगसलाई और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र बिना मास्क चेकिंग का अभियान चल रहा है। तो अभियान के दौरान जो बिना मास्क चेकिंग का मिल है उसको हम लोग ले आकर के मोतीलाल स्कूल में कर रहे हैं, वहाँ उसका टेस्टिंग होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं सर? बिष्टुपुर से 30 लोगों को लिया गया है। यहाँ भी करीब करीब 25-30 आदमी है जो बस में आप देख रहे हैं, और अभी पूरा मार्केट घूम करके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि बिना मास्क का कोई नहीं रहे, क्योंकि कोरोना महामारी के भयानक जिसका हुआ, जिसके चलते कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग जिंदगी से जुड़ गए और कितने लोग दुनिया से विदा हो गए। किन किन क्षेत्रों में चलाया जाएगा सर? कल आपको सोनारी और कदमा इसमेरियम चलाया गया था। सर, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? लोगों से अपील करना चाहेंगे कि बिना मास्क आप कभी घर से नहीं निकले, और लोगों को दूसरे कोई प्रेरित करें बिना मास्क नहीं रहे, और वैक्सीनेशन जो हो रहा है वैक्सीनेशन भी लें, क्योंकि जो महामारी का ये है उससे बचने के लिए ये बहुत आवश्यक है। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।